नूह जिले में पिछले 24 घंटे में बुधवार गुरुवार को 13 नए केस सामने आए। जिले में जो नए केस सामने आए हैं अधिकतर पॉजिटिव लोगों के कांटेक्ट में हैं। गुरुवार को नए केस घासेड़ा पल्ला नलहड मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर पुनहाना ऊंट का जामुबास इत्यादि गांव में मिले हैं। गुरुवार को 11 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। बुधवार शाम को जारी किए गए बुलेटिन में 7 नए केस तथा गुरुवार को सुबह जारी किए गए बुलेटिन में 6 नए केस सामने आए हैं। नए मरीजों के कांटेक्ट खंगालने में नूह स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी हुई है। नूह डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि विभाग की टीम लगातार जांच कर रही है। कोरोना ग्रस्त मरीजों के संपर्क में आने वाले सभी लोगों की जांच विभाग जुटा हुआ है। आपको बता दें कि नूह जिले में कोरोना के अब 65 एक्टिव मरीज हो गए हैं। जिले में अब तक कोरोना के 269 मामले सामने आए हैं, जिनमें अब तक 203 मरीज ठीक हो गए हैं। आपको बता दें कि अब 144 लोगों की रिपोर्ट आना बकाया है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। टोटल हमारे जो आज तक के केस हैं 269 हैं, 203 इसमें से हमारे रिकवर हो चुके हैं, एक्टिव 65 हैं और एक डेथ है। कल और आज सुबह के मिला के कल शाम के हमारे 7 और 6 टोटल 13 केस हैं। वो बुलेटिन में हमने दिखा रखे कौन से कहाँ कहाँ से हैं। कुछ इसमें हमारे ऐसे भी हैं कि एक डॉक्टर है जूनियर रेजिडेंट नंगड़ से, एक वहाँ की स्टाफ नर्स हैं, दो हेल्थ केयर वर्कर हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो पब्लिक से थे, कुछ नल्लर से मरीज़ हैं। इस तरह से ये डिफरेंट डिफरेंट जगह से हमारे पास केस आए हैं। एक ताउडुआ केस है किसी गांव का, जो मैदानता में दाखिल है, वहाँ वो इलाज कराने गया था, वहाँ पॉजिटिव आया है। हाँ, पिछले 10 दिन पहले हमारे पास 12 केस एक दिन में आए थे, तो उसमें से 11 केस ऐसे थे जो CCC में या होम आइसोलेशन में थे, जो हॉस्पिटलाइज नहीं थे, तो वो रिकवर घोषित किए गए हैं यहाँ।